हेलो एवरीवन, तो केंद्रीय विद्यालय का फी कैसे पे करते हैं ये आज हम लोग सीखेंगे। ऑनलाइन फी कैसे पे करते हैं, आज हम जैसा कि आप जानते हैं यूनियन बैंक के फी पोर्टल में जा कर के केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए फी पे करना सीखेंगे। सबसे पहले हम गूगल खोलेंगे। गूगल में अगर आपको नहीं पता है तो आप केवल यहाँ पर लिखना है आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फी पेमेंट। देखिए आप पहले से ही खुला हुआ है, ये आ गया आपके सामने। सबसे ऊपर में देखिए यूनियन, ये ऑनलाइन फीस कलेक्शन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये हमने क्लिक किया। अब हमारे सामने यूनियन बैंक का एक पोर्टल खुल गया जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें सबसे ऊपर का देखिए ये ब्लू कलर का जो ऑप्शन है वो है क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन फी कलेक्शन, इसी को हमें क्लिक ये करना है। अगर आपको काउंटर में जाके फी पे करना है तो उसके लिए नीचे देखिए लिखा है क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन चालान जनरेशन एंड फी रिसिप्ट्स। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है हम ऑनलाइन फी कलेक्शन के बारे में जानेंगे। इसके बाद अब हमारे सामने ये सारे ऑप्शंस हैं। सबसे ऊपर का ऑप्शंस देखिए हमारे पास है क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन पेमेंट, इसको मैंने क्लिक किया। अब ये विंडो आपके सामने खुल गया। मेक पेमेंट, सबसे पहले स्टूडेंट्स का यूनिक आईडी आप डालेंगे, जो भी आपके बच्चे का यूनिक आईडी हो या आपका खुद का यूनिक आईडी हो, एक यूनिक आईडी हम डाल रहे हैं यहाँ पे 8711903391। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, तो आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट बिल डाल सकते हैं। चलिए हम सेलेक्ट करते हैं। ईयर्स आपके पास आ गए और आपको अपने जो बर्थ का ईयर है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी हमने 2007 सिलेक्ट किया। अब हमारे पास मंथ का ऑप्शन आया है, हमें मंथ सिलेक्ट करना है, ये मैंने अप्रैल किया। और फिर डे आपके पास है, ये मैंने किया 21। तो आपके पास देखिए पूरा आ गया, यही हमारा पासवर्ड होगा। फिर कैप्चा में हम जाएंगे, हमारे पास जो भी है देखिए H कैपिटल B कैपिटल W J E एंड 9। इसके बाद हम लॉगिन क्लिक किए, ये हमारे सामने एक नई विंडो खोलती है। ये इस विंडो में आप देखिए वेलकम अंशुमान पांडे लिखा हुआ है और यहाँ देखिए मेक पेमेंट लिखा हुआ, ये हमने मेक पेमेंट क्लिक कर दिया। अब देखिए मैंने मेक पेमेंट जैसे ही डाला है यहाँ पे लिखा हुआ इंटर मोबाइल नंबर, चलिए यहाँ मोबाइल नंबर हम एक डाल देते हैं, ये मोबाइल नंबर हमने डाला। इसके बाद हमने मेक पेमेंट में क्लिक किया, तब यहाँ देखिए दिया है इंटर ईमेल आईडी। अब ये डाल के हम देखते हैं ईमेल आईडी हमारा, ये हमने ईमेल आईडी डाल दिया। अब देखते हैं क्या होता है, ये मैंने क्लिक डाला, यहाँ पे इन्होंने लिखा है इंटर वैलिड ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी इसके लिए वैलिड है कि नहीं। मैंने दोबारा क्लिक किया, दोबारा भी ये नहीं दिखा रहा है, यानी हो सकता है कि जो ईमेल आईडी है वो इसके लिए वैलिड नहीं है। आगे हम देखते हैं, हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं। ये मैंने डाला पी यू एस एच यू वी डबल ई एन एट द रेट जीमेल, जी एम ए आई एल डॉट सी ओ एम। फिर मैंने मेक पेमेंट पे क्लिक किया, तो यानी आपको देखिए सबसे बड़ी चीज़ आपके पास ऑप्शंस ओपन हो गए। पेमेंट अमाउंट 2410, इसमें देखिए क्रेडिट कार्ड ऑप्शन है, डेबिट कार्ड ऑप्शन है, अदर डेबिट कार्ड्स हैं, इंटरनेट बैंकिंग है, क्यूआर है, यूपीआई है, जो चाहे आप यूज कर सकते हैं, इतना आप सबको पता है। हम यहाँ यूपीआई के थ्रू जाएंगे, भीम ऐप है इसके थ्रू देखिए हम जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रोसीड विथ पेमेंट, ठीक है। फिर आप अपना जो भी यूपीआई का कोड है उसके थ्रू आप फी पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेटस, रीजन,
यहाँ पे लिखा है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, यहाँ देखिए ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुल। अब हमारे पास ऑप्शन है प्रिंट, होम और क्लोज। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इसी का फोटो क्लिक करके स्क्रीनशॉट लेके टीचर को भेज देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। आपको क्या करना है, प्रिंट ऑप्शन में जाना है और ये क्लिक किया आपने, अब ये डाउनलोड होगा। देखिए मैंने डाउनलोड क्लिक किया, अब आपका फी रिसिप्ट डाउनलोड हो रहा है। इसके बाद ये देखिए विंडो में खुल गया वर्ड फाइल में आपका, ठीक है। अब देखिए आपके पास पूरा क्लियर मेंशन हुआ है, पूरा पेमेंट आपका हो चुका है, ठीक है। ये अप्रैल से जून वाले कॉलम में आप देखिए 2410। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे और भी अगर आपको वीडियोस की जरूरत पड़ेगी तो ऐसे और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।